लेकिन मनुष्य में दुख को दूर करने की सामर्थ्य है, दुख को सुख में बदलने की शक्ति मनुष्य के अंदर है। कैसे दुख सुख में बदलता है, छोटी सी कहानी सुनाऊं। किसी देश के राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और एक विशेष कार्य दिया कि इस कार्य को करके कल शाम तक फाइनल कर दीजिए। मंत्री जब कल शाम को आया, जी हुजूर, आपने जो कार्य दिया था मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं पूर्ण हो पाया। राजा झक्की स्वभाव का था, क्रोधी था। राजा ने कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, मेरे आदेश का उल्लंघन है, ये मेरा अपमान है। आदेश दे दिया इस मंत्री को शिकारी कुत्तों के बीच में फेंक दिया जाए और वे शिकारी कुत्ते इसको 2 मिनट में नोच नोच कर मार कर खा जाएंगे, यही दंड देते। मंत्री मुस्कराने लगा, एक छोटी सी गलती हो गई और मेरे प्राणों की बाजी लग गई। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब ठीक है, आप जो दंड दे रहे हो मैं स्वीकार करता हूँ। व्यासगादी निवेदन करेगी जल पिलाने वाले जल सेवा को बंद कर दें, जल सेवा बंद कर दें, क्योंकि हल्ला गुल्ला बहुत होता है, या तो शांति से पिलाएंगे, कोई बोलना नहीं है और खड़े नहीं होना, पिलाने वाले केवल खड़े होंगे, पीने वाले बैठे रहे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। देखो मंत्री को सजा मिल चुकी है, अब क्या होने वाला है। तो मंत्री मुस्कराया और बोला कि राजा साहब अब तो हमको मरना ही है, क्योंकि शिकारी कुत्तों के बीच में आप फेंकवाओगे, बस जिंदगी ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक निवेदन है, वो ये निवेदन है कि 7 दिन का टाइम मुझको दीजिए और 7 दिन के बाद हमें चाहे शिकारी कुत्तों के बीच में फेंक दो, चाहे शिकारी शेर बाघ के बीच में फेंक दो, जो करना कर दो, लेकिन 7 दिन का टाइम दीजिए। तो राजा ने कहा, 7 दिन में तू भाग जाएगा तो? बोले, आपसे भाग कर कहाँ जाऊँगा, इतना बड़ा परिवार है, 7 दिन का टाइम दे दिया गया। हमें आपको 100 साल का टाइम मिला है, 80 साल का टाइम मिला है, लेकिन क्या करते हैं हम, उसे 7 दिन का टाइम मिला। 7 दिन के बाद राजा मन में सोच रहा है, कहीं भाग गया होगा। ठीक 7वें दिन के बाद वो आया और खीर पूड़ी मालपुआ खा कर आया प्रेम से, कि मरो तो ठीक ठाक मरो, कमजोर होकर क्यों मरो। सरदार भगत सिंह की जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन भी सवेरे उठ करके वो व्यायाम कर रहे थे, कसरत कर रहे थे। एक सिपाही ने कहा, तुम्हारी
तीन घंटे बाद फांसी होनी है, अभी शरीर को क्यों व्यायाम कर रहे। सरदार भगत सिंह ने जो उत्तर दिया था वो सुनने जैसा उत्तर है। उसने कहा था, जो व्यायाम और कसरत करके मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, 20 वर्ष से मैं व्यायाम कसरत रोज करता हूँ, आज मेरी मृत्यु होने वाली मुझे पता है, लेकिन इस व्यायाम और कसरत के नियम को तोड़कर नहीं मरूंगा, व्यायाम और कसरत के नियम को पूर्ण करके तब मरूंगा। मौत सामने खड़ी हो घबराओ मत, क्योंकि मौत तुमको मार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है। क्यों? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम मौत से क्यों डरते हो? कबीर साहब कहते हैं, जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कम मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरने से डरोगे तो क्या नहीं मरोगे? मौत से भागोगे तो क्या बच जाओगे? कितने लोग मरने के डर से सड़क पर नहीं निकलते, लेकिन मरने वालों की लिस्ट देख लो, ज्यादातर लोग अपने घर के भीतर बेडरूम में ही मरे, सड़क पर तो 1% ही मरे, खेत में 1% मरे, दुकान पर मुश्किल से 0.5% मरे होंगे, लेकिन घर ही में मरे हैं ज्यादा लोग। हॉस्पिटल के लोग भी जब मरने वाला तुम्हारा मरीज हो जाता है तो कहते हैं, इसको घर ले जाओ सेवा करो, क्योंकि वह भी सोचते हैं अस्पताल में ना मरे, मरे तो घर में मरे, क्योंकि अस्पताल में लाश निकलेगी तो अस्पताल का भी सत्यानाश कर देगा। सब देखेंगे रोना धोना हो रहा है, अरे ये सब अस्पताल में ले जाओगे लाश ही वापस आएगी, यहाँ मत जाना, मेरा अस्पताल भी बर्बाद हो गया। ये डॉक्टर भी खिलाड़ी होता है, वो बोल देता है पटना ले जाओ, और पटना में हो गई घटना तो लौट के घर में दुर्घटना। कोई डॉक्टर अपने ऊपर लेना नहीं चाहता कि मेरे क्लिनिक, मेरे नर्सिंग होम, मेरे हॉस्पिटल का नाम बदनाम ना हो। और जिसके हॉस्पिटल में ज्यादा संख्या में मरीज मर गए तो याद रखना हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, क्योंकि जिसका बेटा मरेगा, जिसका बाप मरेगा, वो हजारों जगह प्रचार करेगा, अरे अपने लड़के को मारे खोए तो उनके अस्पताल में लाई जाओ, अरे हमारी पत्नी को मार इन डॉक्टर साहब। डॉक्टर भी टेंशन में है कि अरे राम राम। लेकिन कोई भी मौत तुमको मार नहीं सकती है, तुम इस शरीर को जीवित रखने वाले अजर अमर अविनाशी आत्मा रूपी जीव हो। तुम जन्म और मृत्यु से परे हो, शरीर में रहकर भी शरीर से पृथक हो। तुम शरीर नहीं हो। जब तुम्हारे हाथ में दर्द होता है तो तुम कहते हो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ यानी मैं और मेरा, मैं अलग हूं मेरा अलग, अर्थात मैं हाथ नहीं हूं मेरा हाथ है। तुम कहते हो मेरे घर में गरीबी है, मतलब मेरा घर, मैं अलग मेरा घर अलग, मैं घर नहीं हूं मेरा घर है। तुम शरीर नहीं हो, तुम कहते हो मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, तुम ये नहीं कहते हो कि आत्मा बूढ़ा हो गया और शरीर बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था, मृत्यु अवस्था, ये सब शरीर की अवस्था है, तुम्हारी आत्मा की अवस्था नहीं। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहत पावका न चैनम किले दंत्यापो न सोष्यत मारुता,
वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानी ग्रहणात नरोपराणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयात नवानी देही न जायते मृते कदाचि नयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शास्त्रो एवं पुराणो न हन्यते हन्य मान्य शरीरे। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को बदल करके नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करता है। इसलिए आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत थोड़ा रोना, थोड़ा भी नहीं रोगे तो लोग कहेंगे इसी ने मार डाला, थोड़ा रो लेना। बड़ा झंझट भी है संसार में, उसके लिए भी रोना पड़ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा रोना मत, पागल भी मत होना, लार टपकाते मत रहना रोज बैठकर, क्योंकि मरने वाला तो मर गया और मरने वाला दूसरे घर में पैदा हो गया, पर जो जिंदा बचे हैं अगर ये अधमरे हो गए तो परिवार कैसे पलेगा। इसलिए हिम्मत के साथ में इस परिवार को पालने के लिए काम कीजिए। जो मर गया वो अपने घर गया। लोग कहते हैं वो मर गए, हम कहते हैं वो किधर गए, लोग कहते हैं अपने घर गए, और गुरु जी कहते वो तर गए। जिन्होंने भक्ति किया वो तर गए, और जिन्होंने भोगों को भोगा वो फिर से जन्म ले गए, और जिन्होंने पाप किया वह सब नरक में चले गए, और जिन्होंने पुण्य किया वह स्वर्ग पा गए, और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कीड़ा मकोड़ा हो गए। छोड़ो टेंशन, ये मृत लोक है, घबराना नहीं चाहिए। दुखी मन घर की व्यवस्था को बिगाड़ देता है, चिंतित मन अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, परेशान मन बिजनेस को बिगाड़ देता है, नाराज मन घर की शांति को बिगाड़ देता है, और खुश मन आनंदित मन सब कुछ संभाल देता है, सब कुछ संभाल देता है। इसलिए मन को खुश रखो, आनंद में रखो। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, बड़ा न कायम जगत का दाता बनकर जियो। प्रसन्नता लेकर जियो, आनंद में डूब कर जियो। गरीबी है लेकिन गरीबी में भी मुस्करा कर जियो। अमीरी है, अमीरी में झुक कर जियो। थोड़ा पेड़ में फल आ जाते हैं, डाल झुक जाती है, बादलों में पानी भरा होता है तो बादल भी झुक जाते हैं, धरती के निकट आ जाते हैं। तुम्हारे घर में दल बादल की तरह धन दौलत आ जाए, थोड़ा झुकना सीख लेना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना सीख लेना, अन्यथा अभिमान से भरा हुआ मन रावण का भी पतन कर देता है, और नम्रता से भरा हुआ मन राम को भी प्रसन्न कर देता है, भगवान बना देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय। सात दिन के बाद मंत्री आता है और हंसता हंसता राजा को मिलता है। राजा भी सोचता है इसको कोई डर भी नहीं है, हंसता क्यों है। वो मंत्री सत्संगी था, उसने गुरु बना लिया था और गुरु का ज्ञान उसको मिल सका था। मंत्री हंसता हुआ
और उसने एक पंक्ति गाई कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। हे राजा साहब, मैं तैयार हूं, शिकारी कुत्तों के बीच में मुझे फेंक दो। मेरे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में। राजा ने पूछा, तू मरने जा रहा है तो हंसता क्यों? मंत्री बोला, तुम्हें भी पता है इसको मारने जा रहा हूं, और हमें पता है मैं मरने जा रहा हूं। जब मरने ही जा रहा हूं तो रोकर क्यों मरूं, हंस करके मरूं तो ज्यादा ठीक। अब बचूंगा तो नहीं, और बच गया तब तो हंसता ही रहूंगा, और मर गया तो हंसकर मर जाऊंगा। राजा सोच में पड़ गया, लेकिन राजा नहीं हंस रहा। याद रखना, मारने वाले की हंसी खो जाती है, और जिसको ज्ञान है वो मरने वाला व्यक्ति भी हंसते हंसते मौत को आलिंगन कर लेता। सिपाहियों ने, पुलिस वालों ने उठा करके शिकारी कुत्तों के बाड़ा में फेंक दिया, बाउंड्री के अंदर डाल दिया, और ज्यों ही फेंका सैकड़ों शिकारी कुत्ते इतने जोर से झपट्टे मारकर दौड़कर कूद कर आ गए। सिपाहियों ने सोचा अब काम तमाम हो जाएगा, अभी मर जाएगा दो मिनट में। लेकिन हुआ क्या, वे सब कुत्ते आए और उस मंत्री के पैर चाट रहे थे, हाथ चाट रहे थे, गले लग रहे थे। सिपाहियों को आश्चर्य हुआ, ये शिकारी कुत्तों ने हजारों को एक मिनट में खत्म कर दिया चीड़ फाड़ कर, लेकिन इस मंत्री को प्रेम कर रहे हैं, चाट रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ये हुआ क्या मामला? जब शिकारी कुत्तों ने काटा ही नहीं बल्कि उसको प्रेम से चाटा, एक घंटे पड़ा रहा शिकारी कुत्तों के साथ, खेलता रहा, बैठा रहा, आखिर जिंदा बाहर निकालना पड़ा। राजा साहब को बुलाया गया कि शिकारी कुत्ते इसको काटते नहीं बल्कि प्रेम से चाटते हैं, ये क्या हो रहा है? राजा साहब ने कहा, बाहर निकाल लो, पूछते हैं बात क्या है। पूछा कि मंत्री जी, ये शिकारी कुत्ते तुमको चीड़ फाड़ कर मार डालना चाहिए था, ये काटते नहीं तुमको चाटते हैं, प्रेम करते चूम रहे, बात क्या है? तो हंस करके मंत्री ने कहा, जो 7 दिन का टाइम मांगा था मैंने, वो 7 दिन मैंने इसी शिकारी कुत्तों के बाड़े में आकर के रोज इनको प्रेम से मैं कुछ खिलाता था और इनको गले लगाता था, इनके साथ मेरी दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया, प्रेम में पड़ करके ये शिकारी कुत्तों की 7 दिन मैंने सेवा किया, 7 दिन की सेवा में शिकारी कुत्तों ने शिकार करना भूल गए और बल्कि हमको स्वीकार कर लिया, प्रेम से गले मिल गए। ये प्रेम की ताकत है। राजा ने कहा, और बोले, और ये बात है, 40 साल से मैंने तुम्हारी भी सेवा किया, लेकिन एक छोटी सी गलती में आपने हमको मौत की सजा दे दी, तो मुझे लगता है मेरे राजा से मेरे ये कुत्ते ज्यादा अच्छे। 7 दिन की सेवा से कुत्तों ने हमें जिंदगी दे दी, और 40 साल की सेवा करने के बाद भी राजा साहब ने हमको मौत दे दी, इसलिए कुत्तों को नमन है। राजा साहब, आप बताइए। राजा ने कहा, मैं गलती के लिए क्षमा मांगता हूं, तो फिर से ज्वाइन कर, अब मैं इस तरह से जोश में गुस्सा में किसी के जीवन का वध नहीं करूंगा।